बात ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की करेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं कि अगर कुछ ही समय है बाकी तो हमें किस तरह की तैयारी पहले ही रखनी चाहिए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आप सभी के कईयों के जो हमारे पास कमेंट्स आए हैं, सवाल आए हैं, उनको देखते हुए हम फिर से एक नई वीडियो बना रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा पर, ताकि थोड़ा और डिटेल में आप इस सब के बारे में ज़रूर जान सकें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और पेरेंट्स किस तरह की तैयारी पहले ही रखें। और कमिंग इनटेक के बारे में डिटेल में बताएंगे अगर आपने अप्लाई करना है तो किन बातों का ध्यान रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की है, कई तरह के हमारे पास सवाल आ रहे हैं स्पेशली कमिंग इनटेक को लेकर, सो पेरेंट्स जानना चाहते हैं रिक्वायरमेंट को लेकर। आप ज़रूर थोड़ा और अच्छी तरह से डिटेल में समझाइए कमिंग इनटेक के लिए, अभी जो अप्लाई करना चाह रहे हैं किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अभी से शुरू कर दें। हरजोत, हमने नो डाउट काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं इसमें काफ़ी डिटेल में अब बताने जा रही हूँ और बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सुने, क्योंकि स्कूलिंग वीज़ा है तो नेचुरल है पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना। अब मैं जो प्रेफर करती हूँ बच्चों के जो एज है 6th से लेके 11th तक, स्कूलिंग वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जी। स्कूलिंग वीज़ा का वीज़ा इस टाइम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं और वो भी पेरेंट्स के साथ। तो प्लस पॉइंट ये है कि मदर अगर जाना चाह रही है साथ में बच्चे की टेक केयर करने के लिए, उसमें क्या है, आपको जो अगर लोकल रिलेटिव्स हैं तो उनकी PCC की ज़रूरत नहीं है अगर मदर साथ में जा रही है। नहीं तो PCC इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब जो कि लोकल गार्जियन जो वहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं उनको देनी पड़ती है। अगर पेरेंट्स साथ में या मदर जा रही है फिर उनको PCC नहीं देनी पड़ती, तो वो साथ में ही जो गार्जियन वीज़ा है उनका लगता है। अब एज क्यों, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा जो है उसके लिए आपको एक कंसर्न बन जाता है एम्बेसी के लिए भी स्कूल के लिए भी। तो मैं थोड़ा जो प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को आप 5th तक यहीं पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि बच्चा नर्सरी में है, बच्चा सेकंड में है, तो उनको हम प्रेफर नहीं करते। आप जो है 5th से भी ले सकते हैं और 11th तक आप लीजिए। बच्चे की जो जो भी आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चा पढ़ा हो, क्योंकि उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का हमें लेटर चाहिए या आइल्स चाहिए। अब छोटा बच्चा है उसको आइल्स के लिए तो हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो अगर वो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो एक लेटर चाहिए कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहा है जी। उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर पंजाबी में या हिंदी में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में बना हुआ देन वी डोंट नीड एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन। बच्चे का 60% मिनिमम हम देखते हैं उसके जो सब्जेक्ट्स हैं को सब्जेक्ट्स में भी कितना होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में आगे पढ़ना जा रहा है तो वहाँ वो उन बच्चों के साथ बैठेगा, लोकल बच्चों के साथ, तो उसकी इतनी परसेंटेज होगी तभी वो उनके साथ मैच कर पाएगा अपनी स्टडीज़ को। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद जो है इनकम जी। तो पेरेंट्स की इनकम स्ट्रॉन्ग इनकम होनी चाहिए तभी वो स्कूल के लिए भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग फंड्स अपने होने चाहिए। अगर उनके मतलब 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस और 1 ईयर के जो फीस है वो हमें दिखानी होती है, जानी 6 महीने की फ़ीस है, क्योंकि विक्टोरियन गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं उन सब के लिए हम अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर विक्टोरियन गवर्नमेंट में कोई इंक्वायरी जाती है तो वो हमारे पास ही आती है, तो दैट मींस कि आप गवर्नमेंट स्कूल में अगर जा रहे हैं तो फीस कम होती है प्राइवेट स्कूल्स की। फीस नो डाउट क्वालिटी इनकी भी अच्छी है, उनकी भी अच्छी है, यहाँ पे भी स्कूल्स की वेरिएशन होती है, हर स्कूल की जो फीस अलग अलग होती हैं। तो जो हम मान के चलते हैं कि जो छोटे बच्चों की फ़ीस 10-11,000 डॉलर से लेके क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 16-17,000 डॉलर तक भी जाती है, और उसमें 6 मंथ की फ़ीस ही पहले जाती है। तो इनकम जो है पेरेंट्स को जितनी स्ट्रॉन्ग इनकम दिखाएंगे उतना ही उनके वीज़ा के लिए अच्छा है,
नो डाउट ग्रैंड पेरेंट्स और मीन्स मैटरनल और पेटर्नल साइड वाले दिखा सकते हैं, लेकिन वो 30% दिखाएं और 70% इनकम पेरेंट्स खुद दिखाएं तो वीज़ा के लिए इनकम सोर्स अच्छा होता है। और आपका बच्चा जब एब्रॉड जा रहा है, वेदर पेरेंट्स के साथ जा रहा है या रिलेटिव बुला रहा है, तो बच्चा छोटा है थोड़ा सा उसको बाहर जाने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ बच्चे मैक्सिमम काम खुद करना सीख जाते हैं। अगर आप यहाँ से बच्चे को भेजते हो, यहाँ बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं या हिल स्टेशंस पे भेजते हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चा आगे जाके अपनी ज़िंदगी में एक एसेट बन सके। तो वही जब वो वहाँ जाता है तो इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वही काम उसके पेरेंट्स करें, वो खुद ही करना सीख जाते हैं। तो स्कूलिंग वीज़ा के बेनिफिट बहुत हैं और वीज़ा अच्छा आ रहा है इस टाइम, तो इस समय का आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ज़रूर चाहूँगी जितने भी पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, आपकी अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कुछ भी और जानना चाहते हैं बच्चे की एडमिशन को लेकर, या आपके जो आपने दिखाने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं उसको लेकर, तो जो नंबर डिस्प्ले है इस पर आप कॉल कीजिए और पूरी जानकारी ले सकते हैं नेविगेटर ओवरसीज से। तो बहुत बहुत थैंक्स मैम, आज आपने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा को लेकर कई सारे पॉइंट जो है क्लियर किए हैं। आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपने सवाल हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए भी शेयर ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।